गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं और बाई चांस उनके पास उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो रिस्क ना लें, इग्नोर ना करें इस चीज़ को और तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। वो तो खुजली से रिलेटेड ये आना चाहिए ना, हाँ खुजली नॉर्मल है ये वो, ऐसे क्यों आ गया कि डेंजरस हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे, इसमें आपका लीवर डैमेज हो सकता है। तो तू इंसान का पारा हाई करता है कि ये पारा हाई हो इसका। वो तो कमारी मेरे सामने खड़ी बगी है इधर। और ये चाहते इतने इतने होने चाहिए, थोड़े और कटवा, ये इतने इतने करवाते हैं। और उसे कम करता नहीं, ये बाल काटे है ना, ये तो बहुत गलत काटे, इसे और काटी ने। कपड़े अपने सब गिरा दिए हो बड़े सब कहीं के। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मिस्टर शशि व्लॉग्स। और अभी मैं उठ चुकी हूँ, और उठने के बाद लड्डू भी उठ चुका है। और लड्डू नानी की बहस हो रही है बाल कटने के पीछे, मैं देखा लड़ाई हो रही है इनके बालों के। पर तो कहीं जाना ही नहीं है, अच्छे से अच्छे अच्छी सी कटिंग कराऊंगा जो अच्छी लगे। बिल्कुल जी, जी। ये बालों के लिए लड़ता रहता है, तो मैं तो तेल भी लगाता हूँ। तेल नहीं लगाता, क्यों बताऊंगा, तेल नहीं लगाया था उस दिन। ना लगाता उस दिन ही लगाया था, उस दिन लगाया था। मैं कह रहा कि मेरे तेल लगा के बाल दे कैसे हो गए, परसों तो लगाया था। थोड़ा सा लगा लिया तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा सेट करने के लिए लगाया था। इतने लगा लेगा ऊपर तो बड़े रहते मेरे। नहा ली है और मैं भी नहा ली हूँ और अभी मैं जैसे कि नहा ली हूँ और अभी लड्डू बना रहा हूँ। ऑमलेट एक मेरी प्लेन बनाओगे मेरी, ठीक है? चलो देखते हैं मेरी बना रहे हो कि नहीं। चलो होगी शायद। हाँ चलो। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून हो गया, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। और क्योंकि आज हमें लेट हो गया, क्योंकि आज मैं थोड़ी ज़्यादा देर तक सो गई थी, और जब तक मैं सो रही थी कुछ कर रही थी, निष्ठा उठी हुई थी। निष्ठा ने आपको गुड मॉर्निंग कर ही दिया होगा, और आपको तो पता ही है मैं अलग से करती हूँ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। तो गाइस वेलकम टू निष्ठा जोशी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। निष्ठा नहा ली है और निष्ठा के बाल अभी बहुत रफ हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कंघी नहीं करी, क्योंकि निष्ठा यहाँ नहा रही थी और मैं उधर नहाने गई थी, तो इसलिए अब निष्ठा के बाल ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। और वैसे मैं ड्रायर कर देती हूँ, बट ड्रायर मैंने इसलिए, मेरे ही बाल ऐसे हो रहे हैं तो भैया आगे के तो हो ही जाते हैं, तो निष्ठा के बालों में मैं ड्रायर कर देती हूँ और कंघी कर देती हूँ, क्योंकि बिना ड्रायर के वो बात नहीं आती है, वैसे नेचुरल। आजकल बोलते ना कि ख़राब हो जाते हैं, ड्रायर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट उसके बिना काम भी नहीं चलता। अरे हम तो भूल गए, एक गंदी वाली लगा, मैंने ले ली वो। हम तो भूल गए यार, आप क्या इसके झूठ मत गाओ। एक गंदी वाली नकल मैंने खा ली, सच्ची बोल रहे। अब क्या करें? दिखाओ तो। मर देते दे देगा वो, चलो बैठ। लाए वो ए झूठा लाए गाइस, लाए। तो गाइस हम सब आ चुके हैं लिफ्ट में और पूरी बारात चल रही है हमारे साथ में डॉक्टर के पास। मेरे तो घूमने का मन कर रहा था, मैं तो इसलिए चल रहा हूँ। मेरा भी है। तो गाइस आज जैसे कि अभी मैं बताऊंगा कौन सा टेस्ट है निष्ठा की मॉम का आज, तो फटाफट पहले गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं, निकलते हैं, रास्ते में आप लोगों से मिलता हूँ, फिर बताता हूँ कौन सा टेस्ट है। शैतानी नहीं करनी है रस्ते में, नहीं करना शैतानी, नहीं चुपचाप आपको बोल दिया ऐसा नहीं करना। चलो तो फ्रेंड्स अभी निकल चुके हैं हम लोग, और अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली निष्ठा की मॉम को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, खुजली हो रही थी बहुत ज़्यादा, आपको तो पता ही है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने डॉक्टर से बात करी, तो डॉक्टर ने बोला कि खुजली हो रही है तो ये कंसर्न है, दिक्कत वाली बात है ये, तो एक काम करो आप ना, एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें लीवर का टेस्ट किया जाता है, मतलब उस टेस्ट का नाम है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो उसमें क्या होता है, लीवर से रिलेटेड कुछ टेस्ट करे जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा खुजली हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम माइट बी हो सकती है। तो
तो डॉक्टर ने यही बोला कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप सबसे पहले आप लीवर फंक्शन टेस्ट करा लो। तो मैंने फिर मैम से पूछा था डॉक्टर से कि कब कराएं, मेरी जब छुट्टी होगी तब कराएं आराम से, मतलब 3-4 दिन बाद। तो उसने बोला नहीं, एज सून एज पॉसिबल आपको कराना है। तो इसीलिए फिर मैं आज जल्दी आया ऑफिस से और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं, देखते हैं, टेस्ट कराते हैं, होप सब कुछ नॉर्मल आए टेस्ट में। देखेंगे रिपोर्ट्स कब मिलेंगी, 2-3 दिन तो लग ही जाएगा रिपोर्ट्स में, और देखते हैं अभी फिलहाल टेस्ट कराते हैं, उसके बाद जैसा भी होगा फिंगर्स क्रॉस्ड अच्छी रिपोर्ट आए, सही रिपोर्ट आए। बाकी अभी टेस्ट करा लेते हैं फटाफट चल के, और आप टेंशन मतलब बिल्कुल भी, ठीक है, देखते हैं जो भी होता है टेस्ट में। क्योंकि अगर कुछ 1% 2% कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो डॉक्टर ने बोला है कि इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, वो क्योरेबल है और उसको आप, मैं दवाई लिख दूंगी मेडिकेशन से, वो ठीक हो जाएगी, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ना ही आए दिक्कत तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए बस फिंगर्स क्रॉस हैं। बाकी अभी चलते हैं, पहुँचते हैं, फटाफट टेस्ट करवाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। वो नहीं लेना जा रही, एक एक दिन की ले रही थी ना, उससे मुझे 90% से ज़्यादा आराम है। तो गाइस टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, अब हम निकलते हैं दोनों, और डॉक्टर ने तो यही बोला है कि देखो रिपोर्ट आए, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो उसे लग रहा है कि दिक्कत है। बाकी चलो आपको बताते हैं डिटेल में अभी। तो गाइस यहाँ इनकी चल रही है गोलगप्पा पार्टी, ये नहीं होता तो हम सीधे क्या पता घर निकल जाते, बहुत कम होता चांस जो खा लेते हैं, जब हमारे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं ऐसे लोग, फिर गोलगप्पे से काम चलाना पड़ता है, फिर हम गोलगप्पे से, या कभी कभी तो फिर ये भी नहीं खाते हैं, तो गाइस यहाँ पे खाया जा रहा है इनका फेवरेट चिली पटेटो। ये तो घर से भूखी आई थी इसीलिए, क्योंकि कुछ खिला देंगे, भूखा तो मुझे हर टाइम रख नहीं सकते। और ये तो चलो ऑफिस से पहले से भूखे। डैड आपका पेट ठीक है? ठीक है अभी थोड़ा। अब ठीक है, अब ठीक है गाइस, चिली पटेटो खाते टाइम टेस्ट करवा दिया है, लीवर फंक्शन टेस्ट था, उसके साथ एक टेस्ट और करा है, 2 टेस्ट करें जिनकी रिपोर्ट आएगी कल, और परसों हमें आना ही है मैम के पास, तो तभी हम रिपोर्ट कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर से मैम से मिलेंगे, देखते हैं मैम क्या बोलती है। और जहाँ तक है मैम ने बोला है कि हाँ उन्हें एक लग रहा है कि हाँ लीवर में दिक्कत है, इसीलिए उन्होंने एक और एड ऑन टेस्ट भी दिया किया मतलब। बाकी देखो रिपोर्ट कैसी आती है, उसके बाद फिर दवाई चालू करनी पड़ेगी। तो गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं और बाई चांस उनके पास उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो रिस्क ना लें, इग्नोर ना करें इस चीज़ को, और तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, मुझे भी घर में किसी सब ने बहुत बोला, मैंने जब घर में रिलेटिव्स या इधर उधर बताया तो सब, ये नॉर्मल खुजली होती है, इधर मत खुजा निशान पड़े, सबको बस ये था कि बस ऐसे होता है, निशान ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन नहीं, आप निशान निशान छोड़िए, ये खुजली जो है इतनी डेंजरस हो सकती है कि बच्चे को अंदर या बच्चे के लिए अंदर ही अंदर बहुत घातक हो सकती है, और माँ के लिए तो है ही। तो अगर आपके साथ किसी के साथ ऐसे हो रहा है, अनलिमिटेड खुजली हो रही है, रात रात भर खुजली हो रही है, हर जगह खुजली हो रही है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और डॉक्टर को बताएं, और ये टेस्ट होना चाहिए। खा लिया हम लोगों ने, अब चलते हैं घर की तरफ, इन लोगों ने भी खा लिया है। मैं तो टेस्टी है, निष्ठा की मॉम ने टेस्ट किया है सिर्फ, किसी को बताना नहीं, ठीक है लड्डू, किसी को बताना नहीं है कि निष्ठा की मॉम ने टेस्ट किया है, बस इतना बोलना है। टेस्ट ही कर रहा हूं। हाँ मैं खा गया गाइस सारा ना, जितना भी था। क्या टेस्ट कर रहा है? लड्डू नहीं कर रहा टेस्ट, लड्डू ने बहुत सारी बाइट खा ली। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम घर आ चुके हैं, और रास्ते में से हमें मिल गया था तरबूज, तो ये लेके आए हैं निष्ठा की मॉम, क्योंकि रात में डेली खाती है आपको पता ही है, तो तरबूज लेके आ गए थे। बाकी अभी घर पहुंच गए हैं, फटाफट चेंज कर लेते हैं, जो भी कपड़े वपड़े हैं अपने घर के आउटफिट में आ जाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखो ये बैठे, बैठ जाओ, बैठे बोला है मैंने, अब बैठना पड़ेगा। देखना कितना एहसान दिखा रही, हमने बोले थे चलने के लिए, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, गोदी लूं? चलो गाइस मैं इसे गोदी ले लेता हूं यार, ये पकड़ना, अरे गंदे हाथ हैं, गोदी कैसे लोगे, चलो 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 लिफ्ट आ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिफ्ट आ गई, चली जाएगी फिर, लिफ्ट चली जाएगी, जल्दी आओ, हम तो घूमने थोड़े गए थे, आओ आओ आओ, किसी पार्टी नहीं गए।
चलो 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 घुसो अंदर घुसो। ये देखो गाइस कितना इन्हें मतलब जरूरी होता है ना, इनको जाने के लिए आगे से अब कान पकड़ लेगी। कितना जरूरी होता है ना टीचर, है ना निकल गई यार, वो क्या करे, बहुत जरूरी होता है ना मम्मा डैडी के साथ चलना। डॉक्टर के काम हो तो फिर भी हमने नहीं खिला दी पिला दी, हम तो कुछ भी नहीं खाते, सीधा डॉक्टर से जा घर ही आते हैं। कितनी ट्यूब्स में खून निकाला आज उसने, इतनी परखनली गाइस इंग्लिश में क्या कहते हैं परखनली को, टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब तो वो हो गई ना डॉक्टर उसमें जो भी होता है शीशी। हाँ। बोल लो इतनी कितनी निकाली है, एक शीशी तो शीशी कितनी निकाली, इतनी बड़ी तो थी वो एक ही ना, आज एक से कम चला लेगा, मैंने बोला था एक से गुजारा हो जाएगा वो बोला। हाँ खुजली वाला पढ़ रही थी मैं, खुजली वाला मैंने टाइप करा प्रेगनेंसी में खुजली, तो खुजली से रिलेटेड ये आना चाहिए ना, हाँ खुजली नॉर्मल है ये वो, ऐसे क्यों आ गया कि डेंजरस हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, इसमें आपका लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर डैमेज होएगा तो आपको जॉइंटेस वो क्या बोलते हैं पीलिया को, जॉइंटेस हो सकता है, जिस केस में कि बच्चा पॉटी कर देगा अंदर पेट में, हरी बट अगर वो पॉटी उसके पेट में चले गई तो बच्चे के लिए रिस्क, मतलब कितना मतलब ये चीजें मतलब मैं सोच नहीं सकती, एक नॉर्मल खुजली अगर आज की डेट में अगर किसी को खुजली हो रही है तो एक मेरे को सबने लेडीज ने कहा घर की नॉर्मल है लेकिन ज्यादा मत खुजा निशान पड़ जाएंगे, नॉर्मल है लेकिन ये नॉर्मल मैंने कटवाया है, मैंने कटवाए जब मैं घर आया, इतने इतने बाल रखे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, मम्मी ने कुछ नहीं बोला, मैं शाम मैंने सब कपड़े बदले कुछ नहीं बोला ना, क्या सीधे हो गए तो मेरे को पता नहीं छोटी नहीं करके बाल छोटे करवा के आइयो। उसने पता है न्यू टाट पकड़ पकड़ काटे, न्यू टाट पकड़ पकड़ के मतलब एक बार स्टार्ट पकड़ के काट दिए, फेस पकड़ी फिर काट दिए, फेस कर रहा है इसी मार पे मेरे गुस्सा चढ़ चढ़वाया उसने, फिर बहस कर, अरे मैं बता रहा हूं मैं कैसे काटते थे, बहस कर रहा तू कैसे काट, उसने ऐसे पूरे तुम्हें टाट पकड़ी फिर काट दी, तू इंसान का पारा हाई करता है कि ये पारा हाई हो इसका, बोतल पैक हमारी मेरे सामने खड़ी बाकी एकदम हार्पिक 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 पारा हाई करने के लिए करता है तू, हार्पिक ऐसे फेंक के मारा लड्डू वहीं पे खड़ा हुआ, मैं तो वहां खड़ा सोफे के वहां पे, मम्मी ने उठाया हार्पिक ऐसे फेंक के मारा, कोई बात नहीं दोबारा कटवाया अब थोड़ी जाऊंगा, हां अब थोड़ी जाऊंगा, ये बाल है इसके, ये बाल कट गए दोबारा कटवा लेना ना कल जाके, अब बिल्कुल भी छोटे थोड़ी करवा लूंगा, ये चाहते इतने इतने होने चाहिए, थोड़े और कटवा, ये इतने इतने करवाते हैं, इतने मत कराओ थोड़े से, नहीं मानते ना, पिछले मैंने छोटे कराए थे, बहुत छोटे कराए थे, तो मैं तुम्हारा बोली कि हाँ काट देना ऊपर से बाल, तो उसने नू टाट पकड़ी नू पकड़े काट दिए, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने अपने आप से कर देना, पिछली बार भी यही बोला था, फौजी कटिंग बोलती थी बस, उसने कर दिया था अपने हिसाब से, थोड़े से और कटवा लेना अभी यहाँ से, ये और कटेंगे ना थोड़े से, थोड़े से और कटेंगे, और कटेंगे और अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, जब मैं घर आया था ना मेरे इतने इतने बाल दिख रहे, बोल दो उधर कटवा लूंगा कल, बोल दो, अरे तो कल कटवा लूंगा, और पैसे कहाँ से देंगे, काट देगा वो कपड़े अपने सब गिरा दिए हो सब पहन के, शांति रखना सर में दर्द हो रहा है, उधर कर लो ना जाके